गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जियो स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं तो जो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, दैनिक जागरण और जनसत्ता का जो राष्ट्रीय संस्करण का जो संपादकीय होता है उसके बारे में हम यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं और चीज़ों को सही से बताते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो UPSC या PPCS जैसे एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए उसका नाम है GS Study 94। तो दोस्तों कल के डेट में हमारा वीडियो अपलोड नहीं हुआ था क्योंकि दोस्तों हमारे कुछ परिवार के लोग आ गए थे मुंबई से, तो हम बनारस गए थे उन्हें रिसीव करने के लिए। क्वारंटीन करना पड़ा, तमाम तरह की दिक्कतें सामने आईं, यहाँ चेक कराओ यहाँ चेक कराओ, पर अच्छा हुआ क्योंकि सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया था उसके साथ थोड़ा सा व्यवहारिक होने का मौका मिला। और कुछ चीज़ों को जब हमने जमीनी स्तर पर देखा तो मुझे अच्छा भी लगा, कुछ चीज़ों में जब दिक्कतें आई तो मुझे बुरा भी लगा। अब मैं उम्मीद करता था कि कुछ समस्याएं हैं अभी भी जटिल हैं समाज में, जिन पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। वहाँ तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सारी चीज़ें अप्रूव हैं, पर यहाँ पर लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो चलिए, अच्छा लगता है कभी कभार मुखातिब होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, और सबसे पहले उन वाक्यों की तरफ चलते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ, उस दिन के वीडियो में जिन लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ दी थी, मैं बार बार कहता हूँ कि दो चार लोग ऐसे हैं, मतलब सब लोग बहुत अच्छा लगता है, पर दो चार लोग स्पेशली, जैसे राजीव गिरी जी हैं, नितिन कुमार हैं, नागर एकेडमी है, जब मैं इनके विचारों को इनके प्रतिक्रियाओं को पढ़ता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ कुछ है, समथिंग स्पेशल जो मुझे लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए। सही बताता हूँ, पहले नागर एकेडमी जिस तरह से अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं उनके बारे में जाके देखना चाहिए। उन्होंने ये भी पूछा था कि सर आज वीडियो नहीं बना पाए आप, तो सर यही कारण था मैं वीडियो नहीं बना पाया। उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा है कि भारत के खिलाफ कुछ संपादक हैं, कुछ चैनल हैं जो रात दिन जहर उगलते रहते हैं, ये गलत है। उसके बारे में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत विचार दिया है, आप ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद उनके विचारों को और समर्थन दिया है राजीव गिरी जी ने, बहुत अच्छा आप लोग। उसके बाद है, राजीव गिरी ने भी कई बातें अपनी रखी हैं, जैसे बस को स्वीकार करना, जिस तरह यूपी गवर्नमेंट ने उसे डिनाइड कर दिया, उसके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। उसके बाद है, नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा लिखा कि सर कभी भी अगर मौका मिला तो ज़रूर ऐसा करेंगे, ठीक है, आर्मी में जाने के लिए। उसके बाद उन्होंने ये भी बहुत खूबसूरती से लिखा कि यूपी गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए था जो बसें भेजी गई थी। रूपम गुप्ता जी हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा है, उन्होंने ये भी लिखा है कि सर किस प्रकार से आर्मी में, मतलब उनका एक कजिन है, अब वो जी न्यूज़ और DNA कभी कभार देखती हैं, अच्छा लगा जान के। उसके बाद है नेचुरल ब्यूटी, उन्होंने लिखा जी सर आप डेली एडिटोरियल डालिएगा, ओके जी। घनश्याम महतो हैं, उन्होंने भी लिखा है नाइस सर। तो अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सबसे पहले उन वाक्यों और शब्दों की तरफ जिनमें क्षमता और कुवत होती है। समय मूल्यवान है लेकिन सत्य समय से भी अधिक मूल्यवान है। याद रखिएगा, जो समय है वो बहुत मूल्यवान है। आप 2 सेकंड पीछे अरबों करोड़ों खरबों रुपया दे दीजिए, पर अब 2 सेकंड जो है कभी भी खरीद नहीं सकते। आप अपनी जवानी नहीं खरीद सकते, अपना बचपना नहीं खरीद सकते। अपना जवानी बचपना तो छोड़िए, आप 1 दिन 1 घंटा 1 मिनट नहीं खरीद सकते, और उसकी तो कल्पना करना भी मूर्खता है। तो यहाँ लिखा है समय मूल्यवान है लेकिन सत्य समय से भी अधिक मूल्यवान है। उन्होंने कहा कि जो सत्य है वो समय से भी मूल्यवान है, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमेशा सत्य के बताए हुए रास्ते पर अगर चलेंगे तो हो सकता है कि ढेरों समस्याएं आपके जीवन में आए, पर जब वो समस्याएं अवसर में बदलना स्टार्ट होंगी ना तो आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी, जितनी खुशियां आपको मिलेंगी। क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर जाता है दोस्तों वो ईश्वर की श्रेणी में आ जाता है। ये साईं बाबा क्या थे, ये आपकी तरह हमारी तरह एक इंसानी थे, पर उनकी जो सोच थी, जो उनका सफ़र था, जो उनका राह था, सत्यता के मार्ग पर था। आज पूरी दुनिया उन्हें पूजती है। गौतम बुद्ध हो, महात्मा बुद्ध हो, ये लोग क्या थे, एक इंसानी थे, पर इंसानों से ऊपर उठकर किस प्रकार से इन्होंने सिद्ध कर दिया कि हम लोगों से अलग हैं, क्योंकि हमारे विचार अलग हैं, हमारी सोच अलग है। यहाँ इंसान आता है तो कि रोटी कपड़ा मकान में उलझा रहता है ज़िंदगी भर, उसके बाद मर जाता है, चला जाता है, समाज देश कोई भी याद नहीं करता, परिवार के लोग तो याद ही नहीं करते, समाज देश की याद करेगा। तो ऐसा कुछ करिए जिससे आपके मरने के बाद आपका गांव, समाज, देश कम से कम आपको याद करे, जो आपके द्वारा किया गया कार्य हो उसकी बखान लोग करें।
तो ऐसे कई सारे कार्य करना चाहिए, वही है सब ये। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे लिखा शक्ति का शिकार कारोबार, ठीक है। तो जो जिस तरह से शक्ति की जा रही है उसका जो है कारोबार है, किस तरह से शिकार होने, उसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। और इसे लिखा है दोस्तों संजय गुप्त जी ने। तो आगे चल रहे हैं, कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि सर थोड़ा सा जूम करके रीड करिएगा, तो आप अपना ज़रूर बताइएगा कि अब आपको मतलब अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है या फिर मैं और जूम करूं। यहाँ पे लिखा है अब हर कोई समझ रहा है कि कोरोना से उपजी COVID-19 महामारी हाल फिलहाल ख़त्म होने नहीं जा रही है, इसलिए सरकार से लेकर चिकित्सक तक कह रहे हैं कि हमें कोरोना के साए में जीना होगा और इसके लिए एक दूसरे से शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने के साथ ही सेहत के प्रति सतर्क रहना होगा। सबसे अधिक ध्यान अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर देना होगा क्योंकि कोरोना वायरस उन्हें ही आसानी से चपेट में ले रहा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सिडनी कई ऐसे तमाम पश्चिमी देश क्या कर रहे हैं बता दें, वो क्या कर रहे हैं कि अपने देश में पहला जो है लोगों को कह रहे हैं कि आप जागरूक होइए, हेल्थ से रिलेटेड कुछ काम करिए, एक्सरसाइज करिए, वर्कआउट करिए, उसके बाद आप जो भी भोज्य पदार्थ लें उसमें अच्छे मात्रा में प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, इससे क्या होगा जो आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बूस्ट होगी, वो बढ़ेगी, उसके बाद हो सकता है हमें भी यदि आपको कोरोना हो भी जाए तो आपके शरीर के अंदर जो सोल्जर हैं वो कुछ देर तक लड़ेंगे, तभी तो दवाएँ अपना काम करेंगी। तो इसलिए दोस्तों ज़रूरी है, ये अटैक सबसे ज़्यादा उनको कर रहा है जो लोग पहले से ही लंग, लीवर, किडनी, बीपी, अन्य तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके बाद उनकी थोड़ी सी जो स्थिति बहुत ही क्रिटिकल बना दे रही है। इसलिए आप हेल्थ को लेकर अवेयर रहिए, जिस तरह से हमने 2-3 दिन पहले वीडियो पे हेल्थ से रिलेटेड कुछ बात बोली थी और लोगों ने तमाम तरह की प्रतिक्रियाएँ दी थी, मुझे अच्छा भी लगा कि किस तरह से लोग एक्सरसाइज को इतना प्रमोट करते हैं, अवेयर करते हैं अपने डेली लाइफ में। चलिए अवसर आएगा, देखते हैं कितना एक्सरसाइज आप लोग करते हैं टूर ऑफ ड्यूटी में। जिनके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कमज़ोर है, हालांकि इस महामारी से मुकाबले के लिए टीके की खोज जारी है लेकिन लगता नहीं कि उसे जल्द हासिल किया जा सकता है। कोई कारगर टीका विकसित होने और उसे सब तक पहुँचाने में 1 वर्ष से अधिक समय लग सकता है। ऐसे में सबकी भलाई इसी में कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को लेकर सचेत रह जाए। तो वही चीज़ें हैं कि दोस्तों यदि टीका जब आएगा तब आएगा, सबसे पहले जो आपके अंदर शरीर के जो सोल्जर हैं उन्हें आप बूस्ट करिए, मजबूत करिए कि अनावश्यक कोई भी बीमारी हो उससे लड़ने की काबिलियत, हुनर आपके शरीर के अंदर हो, तब तो आप जिंदा रहेंगे। क्योंकि अभी तमाम तरह की खबरें उठ रही हैं, उड़ रही हैं, जिनके माध्यम से तमाम तरह के रोक भी लगाए गए हैं कि नहीं भैया अब वो देश नहीं खोजा। 2-4 हफ्ता पहले आप देखे होंगे कि डेली कोरोना का दवा मिल गया, कोरोना का इलाज मिल गया, मतलब किस प्रकार से पत्रकारिता न करके अब लोग चटुकारिता कर रहे हैं, TRP बढ़ाने के उद्देश्य से लोग चैनल खोल रखे हैं जिनका उद्देश्य यही है कि गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में प्रोवाइड करना। अब तो मतलब भरोसा उठ गया, कोई कितना भी लिख दे कि ये देखिए कोरोना का दवा मिल गया, कोरोना का वैक्सीन मिल गया, कुछ नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें बाद में यही पता चलता है कि धराशायी हो गई हैं। कोरोना वायरस से छुटकारा मिलते न देखकर ही लॉकडाउन के 4th चरण में व्यापक छूट दे दी गई है। इसका उद्देश्य कारोबारी गतिविधियों को बल देना है। हालांकि सिनेमा, रेस्तरा, जिम के साथ स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं लेकिन अन्य कारोबारी गतिविधियों को हरी झंडी देने के साथ रेल एवं हवाई यात्रा की भी शुरुआत की जा रही है। यह आवश्यक था क्योंकि बिना आवाजाही कारोबार गति नहीं पकड़ सकता। कारोबारी गतिविधियों को बल देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो महामारी से अधिक नुकसान काम धंधा ठप होने से हो सकता है। ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं कि देश में लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, दुनिया के अन्य देशों में भी यही हो रहा है। तो दोस्तों ये वास्तविकता, इस वास्तविकता को झुठलाया नहीं जा सकता। तमाम जो इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल लेवल की जो एजेंसियाँ हैं जो तमाम तरह के आंकड़े प्रदर्शित कर रही हैं देश दुनिया के स्तर पर और लोगों को बता रहे हैं कि इस देश की स्थिति अगले 10 साल, 5 साल, 2 साल तक ये होने वाली है, GDP में इतना कमी हो सकता है,
भुखमरी से रिलेटेड ये समस्याएं हो सकती हैं, इस तरह की इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी की कमी हो सकती है, ऐसे तमाम तरह के आंकड़े प्रकाशित किए जा रहे हैं। तो सरकार भी जानती है, आप भी जानते हैं, अगर एक किसान है, अगर वो किसानी नहीं करेगा तो अपने बच्चों को और देश समाज को क्या खिलाएगा। तो जो उसकी पहली प्राथमिकता ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उगाए, और इसमें क्या है कि सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, बढ़ चढ़ कर उसको तमाम तरह की योजनाओं से लाभान्वित करे, जिसके माध्यम से वो हतोत्साहित ना हो बल्कि प्रोत्साहित हो। अन्यथा दोस्तों, यदि किसान देश का निराश और नाराज हो गया तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी क्या है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है कोई, तो उसमें पहली प्राथमिकता है ग्रामीण स्तर पर तमाम तरह की चीज़ों को प्राथमिकता देना, ठीक है, जैसे मछली पालन हुआ, मुर्गी पालन हुआ। एक बिना संकोच के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो लोग भी अगर इस तरह का व्यवसाय करना चाहते हैं, अपने परिवार के बीच में हाथ बढ़ाना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, आप पढ़िए भी साथ में, पर शर्माइए मत। किसी को बकरा पालन करना तो खोल लीजिए, मछली पालन करना तो खोल लीजिए, सुअर पालन खोलना तो खोल लीजिए, ठीक, शर्माइए मत। सरकारें तमाम तरह की रियायतें दे रही हैं, योजनाएं दे रही हैं, उसका लाभ लीजिए। अपने माध्यम से नहीं तो किसी और को रख दीजिए, यदि आपको शर्म आती है, बुरा लगता है, क्योंकि देखिए आप लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, और अपने आप किसी को वहाँ पे बैठा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप अपने हाथ जब तक फ्री नहीं रखेंगे तब तक जो आप सोचते हैं, जिन उद्देश्यों को पाने के लिए आप दिन रात मेहनत करो, वो नहीं पाएंगे। पर यह भी तो ज़रूरी है, आज जिस तरह से दुविधाएँ समस्याएं उपज रही हैं, उसमें आपका भी भागीदार होना बहुत आवश्यक है। माना जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना इस महामारी के चलते सब कुछ थम जाने से हो गया। लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश में यह अपेक्षित है कि कारोबारी गतिविधियां शुरू करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, लेकिन राज्य सरकारें अपने जिला प्रशासनों के जरिए सुनिश्चित कर रही कि कोरोना का संक्रमण फैलने न पाए। इसके चलते जिला प्रशासन की परख इससे नहीं हो रही कि कितनी कारोबारी गतिविधियां शुरू हो गई हैं, बल्कि इससे कम हुए या बढ़े। इसके चलते जिला प्रशासन भी इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं कि उद्योग व्यापार शुरू करने में आ रही अड़चनें दूर हों। कहीं कहीं जिला प्रशासन के रवैये के कारण अड़चनें दूर होने के बजाय बढ़ रही हैं। किस्म किस्म की विरोधाभासी नियमों के चलते कारोबारियों के बीच असमंजस भी बढ़ रहा है। इस असमंजस को दूर करने में भी तत्परता का परिचय नहीं दिया जा रहा। परिणाम यह है कि तमाम जगह कारोबारी गतिविधियां ढंग से शुरू नहीं हो पा रही हैं। एक दूसरे राज्यों में समन्वय और सहयोग की कमी के कारण भी उद्योग व्यापार का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बतौर उदाहरण, दिल्ली और NCR में आवाजाही में तमाम अड़ंगेबाजी देखने को मिल रही है। यहाँ आवाजाही जटिल बनी हुई है, तो इसी कारण की जगह जगह चेक पॉइंट बनाए गए हैं। इससे कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने में शायद ये कोई मदद मिल रही हो, क्योंकि चेक पॉइंट पर महज पास चेक करने का काम हो रहा, न कि सेहत की जांच का। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों, जो चेक पॉइंट बनाए गए हैं उसमें भी तमाम तरह की कमियां हैं, क्योंकि मान लीजिए जो बसेस का यूज़ कर रहे हैं उसके माध्यम से आ रहे हैं, या फिर रेलवे से जो आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, उनका तो आप भली भांति चेक करके भेज सकते हैं, पर जो बाइक कोइक से आ रहे हैं और चेक पॉइंट से गुजर रहे हैं, यदि उनके पास जो चेक करने का जो स्कैनिंग मशीन नहीं, तो दोस्तों समस्याएं गंभीर हो सकती हैं। कुछ लोग तो इसी उद्देश्य के से आ रहे हैं कि मान लो अगर मुझे कोरोना पॉजिटिव है भी तो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तमाम तरह के कागजात देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। पर कुछ जगहों पे थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है, कुछ जगहों पे इसकी व्यवस्था नहीं है। निस्संदेह जिला प्रशासनों को इसकी प्रति भी सचेत रहना होगा कि कोरोना का संक्रमण फैलने ना पाए, लेकिन अगर ऐसा कारोबारी गतिविधियां ठप रहने की कीमत पर होगा तो बहुत मुश्किल पेश आने वाली है। जिला प्रशासन कारोबारी कामकाज शुरू करने के मामले में तो शारीरिक दूरी के नियम के प्रति तो अति सतर्क है, लेकिन इसे लेकर सचेत नहीं कि ट्रेनों और बसों से लौट रहे मजदूरों के बीच इस नियम की अनदेखी हो रही है। बसों और ट्रेनों से लौटते मजदूर शारीरिक दूरी मुश्किल से ही कायम कर पा रहे हैं, जो जिला प्रशासन मजदूरों की जैसे तैसे जल्द वापसी कराने के फेर में उनके बीच शारीरिक दूरी के पालन की परवाह नहीं कर रहा है। कहीं वहीं कारोबारी गतिविधियों के दौरान इसकी कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहा है। जिला प्रशासन की तरह तमाम शहरों में कॉलोनियों, मोहल्लों की समितियां यानी RW कई तरह के प्रतिबंध कायम किए हुए हैं। इससे आवाजाही प्रभावित होने के साथ घरेलू सहायकों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ रहा है। सावधानी बरतने के नाम पर जो अति की जा रही वो खत्म होनी चाहिए। ठीक नहीं कि RWA के चंद सदस्य अपनी मनमर्जी पूरे मोहल्ले पर थोप दें।
एक चीज़ आप लोगों के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग बताइएगा कि जो आपका मतलब आप जिस जिस जगह से बिलोंग करते हैं उस जगहों की क्या स्थिति है, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोग बताइएगा। और एक चीज़ उसके साथ स्पष्टीकरण दे दीजिएगा कि मतलब आप जो अगर हम फोरकास्ट करें, परसेप्शन निकलें, मतलब होता है कि भविष्यवाणी या भविष्य में उस तरह की सोच रखें, तो क्या आपको लगता है कि कोरोना जैसी महामारी से जिससे पूरी दुनिया डगमगा गई है, भारत जैसा देश भी आर्थिक रूप से जूझ रहा है, और अगर देखें तो हमारे अन्य देशों की अपेक्षा भारत जहाँ तक जितनी आबादी है, जितना बड़ा क्षेत्रफल है, उसके हिसाब से यहाँ नुकसान बहुत कम हुआ है, पर कभी कभार आपको महसूस नहीं होता है? कभी कभार मुझे महसूस होता है कि कोरोना हो सकता है ख़त्म हो जाए, पर कभी कभी डर लगता है जब मैं न्यूज़ देखता हूँ बैठ के ना, तो मुझे डर लगता है कि ये स्थितियाँ कितनी प्रबल हैं। तो उसके बारे में आप बताइएगा कि आपको क्या महसूस होता है कि कोरोना का असर बहुत जल्द भारत पे बहुत घातक पड़ने वाला है, या फिर यहाँ से छू मंतर होने को बेबस हो जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती जारी रहेगी तो फिर काम धंधे आगे कैसे बढ़ेंगे? लोग इसे लेकर सचेत हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण खतरा बरकरार है। तो एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अब उसको एक गाइडलाइन इशू करना चाहिए जिसके माध्यम से तमाम तरह के जो कारोबार हैं, जो कंपनियां हैं जो बंद पड़े हैं, उनमें अलाउ कर देना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग करने का। अन्यथा दोस्तों देश में जितनी जनसंख्या है हमारे देश की, उससे रिलेटेड अगर यदि चीज़ों की कमी होने लगी, खाद्य सामग्री या अन्य चीज़ों की, तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसीलिए दोस्तों हो सकता है कि मतलब बढ़िया व्यवस्था बनाइए, जो लोग भी वर्कर हैं उनका सैनिटाइज करिए, तमाम तरह की व्यवस्थाएं दीजिए, थर्मल स्क्रीनिंग करवाइए जब वो अंदर आए, जब अंदर बाहर जो भी है। उसके बाद एक मॉडरेट एम्प्लॉयज़ रखिए कंपनी में, बहुत ज़्यादा न रखें पर कुछ एम्प्लॉयज़ रखें जिससे आपका जो मैन्युफैक्चरिंग का कार्य हो स्थगित ना हो, नहीं तो दोस्तों मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आखिर जब रेस्तरां सिनेमा आदि बंद है तो फिर कोई क्यों सैर सपाटे के लिए निकलेगा और जोखिम मोल लेगा? यह समझना होगा कि जो लोग निकल रहे हैं वे अपने काम धंधे के सिलसिले में ही निकल रहे हैं। चिंता की बात केवल यह नहीं कि जिला प्रशासन के रवैये के कारण आवाजाही में परेशानी हो रही है और उसके नतीजे में आर्थिक गतिविधियां सही तरह से शुरू नहीं हो पा रही हैं, बल्कि यह भी है कि इन गतिविधियों के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होने वाले मजदूर गांव चले जा रहे हैं। मजदूरों की गांव वापसी का एक कारण तो कारोबारी कामकाज का गति न पकड़ पाना है, और दूसरा उन्हें यह आभास होना है कि उनको उनकी हाल पर छोड़ दिया गया। अच्छा होता कि उनके अंदर ऐसी भावना ना घर कर पाती, और भी अच्छा यह होता कि शुरुआत में ही उन्हें ट्रेनों और बसों से भेजने की व्यवस्था की जाती। इससे वे न तो पैदल चलने को मजबूर होते, न अनियंत्रित होकर जैसे तैसे गाँव जाने की कोशिश करते, और न ही उनकी दर्द भरी कहानियाँ सामने आती। सरकारों को उनकी सुरक्षित वापसी के साथ यह भी सोचना होगा कि जब श्रमिक गांव लौट चुके या फिर लौट रहे हैं, तब उद्योग व्यापार का पहिया कैसे घूमेगा? ऐसे में यही उचित होगा। जी हाँ दोस्तों, इस पर आप विचार विमर्श कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि जिस तादाद में बड़े बड़े शहरों से या विदेशों से लोग पलायन अपने देश या गाँव की तरफ किए हैं, उससे जो समस्याएँ उपज रही हैं, संकट आ रहा है, उसके बारे में मैं आपको स्वतंत्र छोड़ता हूँ। जो आपके पास विचार हो, जो आप शेयर करना चाहते हैं, आप दिल खोल के शेयर करिएगा। मैं बार बार करता हूँ, आप लोगों के द्वारा भी मुझे सीखने का मौका मिलता है, तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। और उसके बाद तो यदि कोई पूछेगा तो मैं बताऊँगा ही। ऐसे में यही उचित होगा कि केंद्र सरकार राज्यों को और राज्य सरकारें अपने जिला प्रशासनों को ऐसे निर्देश दें कि कारोबारी गतिविधियाँ तेज़ी से आगे बढ़ाई जाएँ। इसी के साथ उन्हें गाँव लौट चुके मज़दूरों की शहर वापसी के लिए भी कोई ठोस व्यवस्था बनानी होगी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, यदि कोई आपसे डिबेट करे इस मसले पे, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो अभी भी कुछ जगहों पे सख्ती बरती गई है, जहाँ पे कारोबार और कंपनियाँ पूरी तरह से बंद हैं, तो ऐसे जगहों पे भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन रियायतें देनी चाहिए। अन्यथा जिस तरह से नुकसान हो रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों को, कारोबारियों को, उससे हो सकता है कि वो अपने पुनर्जीवित न हो पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।